नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 की, जिसे दिल्ली में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में सरकार ने पेश किया, जिसमें सरकार ने अपने पिछले 15 साल का लेखा जोखा पेश किया है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस कार्यक्रम पर निशाना साधा है। आज चर्चा इसी पर करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 का दिल्ली में विमोचन किया। ये रिपोर्ट मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा माना जा रहा है, और साथ ही सरकार अपनी भविष्य की विकास नीति को इस रिपोर्ट में स्पष्ट करती नजर आई। पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। इस रिपोर्ट को 5 खंडों में बांटा गया है। इसमें पिछले 15 सालों में किए गए सरकारी प्रयासों का विवरण प्रस्तुत किया गया है, साथ ही कोरोना महामारी के प्रबंधन में हुए बदलाव और विकास का भी विवरण है। रिपोर्ट में आयुष, नगरीय विकास सहित अन्य योजनाओं को शामिल किया गया है। सरकार के कार्यकाल का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन किया गया है। ये रिपोर्ट विकास के लिए नीतिगत सिफारिशों का सुझाव भी देती है। ये गर्व की बात है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज दिल्ली में आज इस बड़े आयोजन को करने जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं, और वास्तव में जो प्रदेश में किया है वो देश को पता लगना चाहिए। आज उसी संदर्भ में आज हमारे मुख्यमंत्री जी गए हैं, हमारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई उनको। शिवराज सरकार के इस रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं, वो भी आप सुन लीजिए। ये मीडिया की राजनीति, फर्जी राजनीति, नाटक की राजनीति में मुकाबला शिवराज सिंह जी से कोई नहीं कर सकता। शिवराज सरकार के इस रिपोर्ट को 2023 के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस रिपोर्ट में शिवराज सरकार अपनी सफलता के साथ साथ प्रदेश के भविष्य की विकास नीति को लोगों के सामने लाना चाहती है, ताकि 2023 की लड़ाई में विकास को मजबूत कड़ी के रूप में पेश किया जा सके। टीम न्यूज़ स्टेट।